नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PQRS पवन में। तो दोस्तों, आज हम जिस मैच की प्रिडिक्शन करने जा रहे हैं, वो मैच जो है आज खेला जाने वाला पहला मैच है प्रो कब डी लीग का। वो रहेगा दोस्तों बेंगलुरु बुल्स और जयपुर पिंक पैंथर के बीच में। तो दोस्तों, ये मैच बहुत ही अच्छा मैच होगा दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर इसमें खेलेंगे। तो दोस्तों, मैं यहाँ इसमें आपको बताना चाहेंगे, तो ये रहेगी देखिए दोस्तों जयपुर पिंक बेंगलुरु बुल्स और ये जयपुर पिंक पैंथर टीम। तो इसमें जो आपको, चलिए प्लेयर्स के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो जो प्लेयर्स इसमें रहेंगे दोस्तों, जो कि काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं दोस्तों लगातार, उनके मैं आपको उनके बारे में बताना चाहूँगा। तो इसमें जो रहेंगे देखिए, जो आपके डिफेंडर, जो कि डिफेंडर रहेंगे दोस्तों, देखिए आशीष कुमार रहेंगे, जो कि काफ़ी अच्छे डिफेंडर है दोस्तों, बेंगलुरु बुल्स के लिए खेलते हैं। आप इन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा देखिए संदीप कुमार धुल्ला, जो कि जयपुर पिंक पैंथर के लिए खेलते हैं, और पिछले मैच में अपना सुपर फाइव भी इन्होंने प्राप्त किया था दोस्तों, जो जयपुर इतनी बड़ी जीत अर्जित कर पाई थी यूपी योद्धा के ऊपर, उसमें इनका भी काफ़ी योगदान रहा दोस्तों। इसके अलावा संदीप देखिए बेंगलुरु बुल्स के लिए खेलते हैं, और पिछले मैच में काफ़ी अच्छा इनका प्रदर्शन रहा दोस्तों कंटिन्यू, तो आप इनसे उम्मीद कर सकते हैं कि इस मैच में भी कंटिन्यू अपनी फॉर्म को जारी रखेंगे दोस्तों। और ये जो पिछले मैच में इन्होंने 4 अंक अर्जित किए थे दोस्तों, और 4 अंक जो इन्होंने अर्जित किए थे, उसी उनके उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा, जो बेंगलुरु बुल्स पिछला मैच अपना ड्रॉ करवा सके दोस्तों। इनके अलावा दोस्तों, एक आपको बताना चाहेंगे मोहित चिल्लर, जो कि जयपुर पिंक पैंथर के लिए खेलते हैं, ये भी काफ़ी अच्छे डिफेंडर है दोस्तों। यदि आप इन्हें मौका देना चाहते हैं दे सकते हैं, क्योंकि मेरे पास क्रेडिट ज़्यादा नहीं बचे थे, इसलिए मैंने इन प्लेयर्स को चुना है दोस्तों। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, डिफेंडर जो आपके रहेंगे ऑलराउंडर में जो रहते हैं दोस्तों, वो जो देखिए दीपक निवास हुड्डा जी, बहुत अच्छे बहुत बढ़िया प्लेयर है दोस्तों, जो कि गुजरात के, जो कि अपने जयपुर के लिए खेल रहे हैं। जयपुर जो पिछले मैच में अपना सुपर 10 ने अर्जित किया था, और देखिए वो जो जीत ये अर्जित कर पाए थे पिछले मैच में, अपनी जो इतनी बड़ी जीत यूपी योद्धा के ऊपर इन्होंने दर्ज की थी जयपुर ने, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था दोस्तों। और इनके अलावा जो डिफेंडर में रहते हैं, देखिए नितिन रावत भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, पर इस वर्ष ज़्यादा इतने फॉर्म में नहीं चल रहे हैं दोस्तों, तो इन्हें मैंने सेलेक्ट नहीं करा। इसके अलावा देखिए काशिल अंगड़ के बेंगलुरु बुल्स के लिए खेलते हैं, तो यदि आप इन्हें सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इन्हें कर सकते हैं, बट ये भी इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं चल रहे हैं दोस्तों। पिछले मैच में सिर्फ 2 ही अंक अर्जित कर पाए थे दोस्तों। यदि आप इनके फ़ैन हैं तो बिल्कुल आप इन्हें रख सकते हैं दोस्तों। और इसके अलावा देखिए, अब चलते हैं रेडर डिपार्टमेंट में दोस्तों। रेडर डिपार्टमेंट में जो रहेंगे पवन कुमार शेरावत, लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और जो अभी जो अपने ग्रुप में टॉप पे चल रही थी बेंगलुरु बुल्स, तो इन्हीं की बदौलत चल रही थी। और दूसरे हैं देखिए पवन कुमार शेरावत के बारे में आपको बताना चाहेंगे, 2 बार 20-20 अंक अर्जित कर चुके हैं दोस्तों 2 मैचों में, ये पिछले मैच में भी 10 अंक अर्जित किए, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन इन्होंने करा। जो मैच ड्रॉ रहा उनमें इनका जो पिछला मैच ड्रॉ रहा दोस्तों करवा सका बेंगलुरु बुल्स, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था। और इसके अलावा दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, जो इसके अलावा अगले प्लेयर को जो मैंने सेलेक्ट किया है, वो है अनूप कुमार, जो कि खेलते हैं जयपुर पिंक पैंथर के लिए, बहुत अच्छे प्लेयर हैं दोस्तों। इनका देखिए आपको 2 जगह से फ़ायदा था, क्योंकि देखिए डिफेंडर की तरह ये कैचिंग पोजीशन पे खेलते हैं, टैकल भी कर देते हैं, और साथ में जो रीडिंग भी करते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा अनुभव इनके पास है। पिछले मैच में भी इन्होंने 3 पॉइंट अर्जित किए थे। और इसके अलावा जो रहेंगे दोस्तों आपके, आप जिंक के पवार जी, जो कि पिछले मैच में दोस्तों इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था दोस्तों, 9 अंक अर्जित किए थे, तो आप इन्हें इस बार मौका दे सकते हैं, चार्जेस भी कम है, और इन्हें आप चुन सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा जो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, देखिए यदि आप रोहित कुमार को पसंद करते हैं तो आप इन्हें भी मौका दे सकते हैं, पिछले मैच में 6 अंक अर्जित किए थे, अपने नाम के मुताबिक अभी प्रदर्शन ये नहीं कर पा रहे दोस्तों, तो यदि आप रोहित कुमार जी को मौका देना चाह रहे हैं बिल्कुल आप इन्हें मौका दे सकते हैं। बाकी आपसे चाहेंगे दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका।